तो हुआ कुछ है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो आपके भाई ने तकरीबन के लिए वीडियो अपलोडिंग पर रखी और माशाल्लाह से पीटी सेल ने रिवायत कायम रखते हुए जिस वीडियो पे 2 से 3 घंटे लगने चाहिए उस पे सहर से इफ्तार लगा दिया। तो इस दौरान आपके भाई ने लगाई इंस्टा पर एक अदद स्टोरी। खैर, वीडियो अपलोड कर ली, आप लोगों का रिस्पांस भी आया, जिसके नतीजे में आया एक रिप्लाई। Apologies for the inconvenience. In order to enable us to look into the issue, please share the following detail with us: complete landline number with area code, mobile number, email ID. तो आपके भाई ने दिया जवाब। उसके बाद आया, inconvenience is sincerely regretted. Complaint has been registered. Issue will be resolved soon. तो मैंने बोला थैंक यू। फिर हुआ कुछ यूं। 2 days later. अगले दिन आई एक कॉल। उठाई तो, सर मैं पीटी सेल का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ, काइंडली दरवाजा खोलें ताकि हम आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर सकें। तो फिर मैंने दरवाजा खोला तो देखा तो एक आदमी हाथ में बॉक्स लिए खड़ा हुआ था। अंदर आया, बॉक्स को खोला, उसने मेरा पुराना राउटर उतारा और उस बॉक्स में से जो उसके हाथ में था उसमें से एक नया राउटर निकाला और लगाया और फिर कहा Your issue has been resolved. तो भाई तकरीबन तो बहुत खुश हुआ, ऐसा लगा जैसे रमज़ान में ही ईदी मिल गई। थैंक यू पीटी सेल। पीटी सेल की बुराइयां तो आप लोगों ने सब ने बहुत सुनी होगी। इनके इस काइंड जेस्चर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि भाई अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। और बाकी आखिर है तो ये हमारा अपना पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन। खैर, आखिर में तकरीबन की जानब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलते हैं ईद की छुट्टियों के बाद एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।